हेलो एवरीवन सो सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस अगर एक बार वॉइस ऑडिबल हो चुकी है अगर आपको एक बार विजिबल है ना थम्स अप जरूर कर देना थोड़ा सा डिले हो गया यार थोड़ा सा इशू आ गया था आज मुझे क्लास अपने मोबाइल फोन से लेनी पड़ रही है ठीक है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना आज लेकिन आज का ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है जनरल साइंस का टॉपिक है तो प्रॉपरली आपको इधर बता दूंगा टॉप हंड्रेड एमसीक्यूज कवर करके देंगे चाहे एक घंटा लग जाए जितना मर्जी टाइम लग जाए लेकिन आज का सेशन बेस्ट एंड बेस्ट जाने वाला है। जल्दी से कही सेशन को लाइक कर देना आज मैं लेट नहीं हुआ हूं टाइम पे ही था थोड़ा इश्यू आ गया था आज क्योंकि मुझे फोन से लेनी पड़ रही है उसके कारण जल्दी से बताओ सब कुछ विजिबल है वॉइस ऑडिबल है ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं जुड़ गए सभी चलो गाइस आप सबको बता दूं दैट Uh, क्या लिखने बच्चे एक बार मैं ऑडिबल 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 चेक है सब कुछ चेक ठीक है चलो Guys, आप सबको स्टार्ट करने से पहले कि दैट हमने एक जो प्रगति अपना इंस्टीट्यूट खोला है उसमें अपना नायब तहसीलदार का भी एक तरह से कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम फिफ्टींथ तो आप उस दिन हमें ज्वाइन कर सकते हो आप सिंपली अपने आपको थ्री डेज के लिए डेमो क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हो फिफ्टी जनवरी से उसके बैच भी स्टार्ट होने जा रहे हैं तो चलो गायस बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर वन ये आपके फोन नंबर है आप इन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो और ये हमारा एड्रेस है ठीक है आगे बात करते हैं ये मैं आपको पीडीएफ प्रॉपरली प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे तब आप उधर देख लेना अच्छी तरह बात करते हैं गाइस आज का क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर वन सर कह रहे हैं द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सर सेल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है सैरोलॉजी साइटोप्लाजम साइटोलॉजी की इटियोलॉजी बिल्कुल सही सभी सही आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन साइटोलॉजी इज द राइट वन गाइस आज चाहे ठंड है लेकिन हाथ आप सबकी ओर से तेज चलने चाहिए जल्दी जल्दी हमने सेशन खत्म करना है कमेंट जल्दी करते रहो साथ क्वेश्चन डैश आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल सर पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है वो बताइए सर माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी इज बीज देंट देखो ये मैंने इधर प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन बताई हुई है जैसे कि तो मैंने मेंशन भी कर दिया सर माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करने वाले कौन थे सर कौन से ईयर में किया था ये प्रॉपरली मैंने आपको इधर बता दिया ये मैं आपको टेलीग्राम पर ना पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है तो तब आप उधर से पढ़ लेना अच्छी तरह बताओ क्वेश्चन नंबर थर्ड सर क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहे हैं विच इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल ट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बताओ सर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाने के लिए जो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं आंसर आ रहा है सर प्लाज्मा मैमब्रेन प्लाज्मा मैमब्रेन ऑप्शन ए ऑप्शन ए, ए बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन प्लाज्मा मैमब्रेन इज द राइट वन क्लियर है गैस देख लो एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली मेंशन कर दी यार आज की पीडियो में मैंने कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी चलो बताओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर आज सो क्वेश्चन कंप्लीट किए बिना नहीं जाएंगे आज आज थान लो सोना नहीं है सो क्वेश्चन करके जाएंगे मैं भी आपको करा के जाऊंगा आपने भी इधर करके ही जाना है ठीक है सर बात करते हैं किसको बोलते हैं लाइजोजोम लाइजोजोम आंसर है बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन लाइजोजोम से बायो के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके फिजिक्स के भी हैं आगे जाके आपके केमिस्ट्री के भी हैं ये मत सोचना सर आपने एक ही टॉपिक से डाल दिया सारे के सारे जो दस बारह टॉपिक्स है ना आपके प्रॉपरली वो सारे के सारे मैंने कराए सारे के सारे हर एक से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको ठीक है शौकर लिख रहे हैं सर एक बजे सोता हूं मैं डेली चलो बताओ इसका आंसर सर राइबोसोम क्या बनाता है सर राइबोसोम प्रोटीन बनाने में मदद करता है आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स चलो बताओ सिक्स का आंसर सर सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है सर सिक्स क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गनल हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉन आउट सेल ऑर्गेनल्स मतलब कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है सर उसको ना वो खुद ही निकल जाता है सर एक तरह से इसमें जिस जो इसका आंसर है सर उसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है सर किसको सुसाइडल बैग बोला जाता है सर सुसाइडल बैग हमें लाइजोजोम्स को बोला जाता है क्लियर है आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन चलो ये तो आपका मेंशन है टॉपिक जो अभी हम करने लगे ये लगे जो क्वेश्चन आए ना क्वेश्चन नंबर सेवन इसके तो एक टॉपिक प्रॉपरली मेंशन है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाला आई थिंक सो कुछ इस तरह से टॉपिक था बात हो रही है सर विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वॉटर फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट बताओ आंसर मारा मारा

रिकेट्स की रिकेट से वो सफर कर रहा है तो उसको किस चीज की डेफिशिएंसी होगी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होगी वो आपने बताना है सर विटामिन डी आ रहा है विटामिन डी आ रहा है तो एट्थ का आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी डेट इज विटामिन डी इज द राइट वन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ एक और विटामिन का क्वेश्चन सर वाइटामिन की अगर मैं बात करूं विच वाइटामिन प्रमोट द एब्सॉर्शन ऑफ कैल्शियम ऑफ द बॉडी सर कैल्शियम की बात हो रही है इधर ही सारे के सारे वाइटामिन में मैं आपको कवर करा या सो क्वेश्चन कराने हैं दस क्वेश्चन आने हैं आपको कोशिश करूंगा क्या था सो क्वेश्चन का एक और सेट ले ठीक है आज के सेट में तो सो एक और सेट आपका सो का ले अगर टाइम मिला सब कुछ साथ मिला ठीक है बात हो रही है सर इसका बताइए जल्दी इसका भी क्या रहेगा सर विटामिन डी इज द राइट वन आगे बात करते हैं सर नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड सर जब ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता उसके कारण वो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी होता है वो आप सबने बताना है बताइए बिल्कुल सही इंजीनियर सैम ने सबसे पहले आंसर दिया मैंने अभी क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा था अ डेटामिन के तो वाइटामिन के इज द राइट वन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन राइज देखो आज ना मैं फोन से ले रहा हूं मुझे लग रहा है क्लास आज बिल्कुल साथ साथ चल रही है उसमें क्या होता है उसमें ना कमेंट्स थोड़े लेट आते हैं जब मैं लैपटॉप से लेता था अपने सिस्टम से लेता था सिस्टम में थोड़े से लेट आते थे आज बिल्कुल साथ मेरा क्वेश्चन खत्म हो नहीं रहा आपके एंड से आंसर आ रहा है बताइए सर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर इलेवंथ क्वेश्चन कह रहा है विच वाइटामिन एक्टिविटीज प्रोटीन एंड कैल्शियम असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग अभी हमने डिस्कस किया सर ये ये के बस स्टेटमेंट चेंज हुई है है क्वेश्चन तो वही है। बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट टाइम फा के पेपर में आया हुआ फा पंचायत की में था यह क्वेश्चन सर बात हो रहा है वॉटर सोल्यूबल सर एक होता है वॉटर सोल्यूबल सर एक होता है फैट सोल्यूबल इसमें से आपने वाटर सोल्यूबल वाइटामिन बताना है सर इसमें से वाटर सोल्यूबल कौन सा है वाइटामिन बी वन आ रहा है वाइटामिन सी आ रहा है या सी तो है नहीं अच्छा सी ऑप्शन बोल रहे हैं बच्चे ओके तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन गाइस अभी मैंने आपको बोला वाटर सॉल्युबल होते हैं और कुछ आपके फैट सॉल्युबल होते हैं सर फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं सर डेट एडीके ए डीई के सर वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं सर विटामिन बी एंड सी जितने भी हैं सर वो आपके वाटर वाटर सॉल्युबल होते हैं चलो थोड़ा सा अब आते हैं केमिस्ट्री की ओर बताइए सर बैलेंस केमिकल कॉरिस्पॉन्ड्स टू डैश जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसका क्या मतलब है बताओ सर बात हो रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सर लॉ ऑफ एवोगेडो सर लॉ ऑफ गैशेज वॉल्यूम सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस सर क्या आएगा इसका आंसर सर दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है सर मास कैन नाइडेबीगेटेड डिस्ट्रॉयड अब ना एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछता हूं कहा चल गया क्वेश्चन ठीक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देने वाले कौन थे उनका आपने नाम बताना ठीक है थीके? कमेंट में मैं वेट करूंगा कौन कौन किसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक तरह से फॉर्मुलेट किया था वो आप सबने बताना नेक्स्ट बताओ सर वट इज कॉल्ड एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन सर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं बताइए सर कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन सर नेचुरल केमिकल इक्वेशन सर रफ केमिकल इक्वेशन बताइए बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी डेट इज स्केलेटन केमिकल इक्वेशन को हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं एक होते हैं सर बैलेंस एक होते हैं अनबैलेंस सर बैलेंस में ना दोनों साइड के एटम्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे बराबर होते हैं लेकिन अनबैलेंस में सब बराबर नहीं होते चलो बताओ आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं सर आयनिक कंपाउंड की इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है सर आयनिक कंपाउंड की इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है ये आपने बताना क्या आएगा आंसर जल्दी से बताना यार साथ में सेशन को लाइक भी कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेल हो जाएगी जैसे ही सेशन खत्म होता है मेरी बहुत ज्यादा पीडीएफ पेंडिंग है यार मेरा टारगेट है कल आपको ना मॉर्निंग में

सर ये रिएक्शन किसकी एग्जाम्पल रही है वो आपने बताना है सर ये जो रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन की एग्जाम्पल है वो आपने बताना है बताइए जल्दी से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन फोटोलेटिक डिकम्पोजिशन ड्यूल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उनमें से ये कौन सी रिएक्शन है ये आप सबने बताना है आंसर बी आर है बी आर है डी आर है बिल्कुल सही दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट है सर जो है, बी ए है सर वो SO4 के साथ चल गया सर जो सोडियम है वो क्लोराइड के साथ चल गया ठीक है तो दोनों की जगह चेंज होगी इंटरचेंज होगी तो डेट जो डबल डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट सर ये वाली रिएक्शन बताना सर ये जो रिएक्शन है ना ये किसकी एग्जाम्पल है ये आपने बताना देख रहे हो गैस हर एक टॉपिक ने मैं सीक्वेंस में चल रहा हूं मतलब जैसे केमिस्ट्री के कोई टॉपिक वगैरह तो उसके पांच छे क्वेश्चन लगातार है फिर आगे बायो के क्वेश्चन आएंगे सर वो पांच छे टॉपिक मैंने इकट्ठे रखे हैं ठीक है नॉट ड्यूल बट डबल इम्तियाज लिख रहे हैं dual, कोई चक्कर नहीं यार एक ही चीज होता है आपको मेन चीज है मीनिंग समझ आना चाहिए कि डबल की बात हो रही है ड्यूल की बात हो रही है कुछ भी ठीक है बताइए आंसर है रिडॉक्स 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 बिल्कुल सही दैट इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज सर इसमें क्या हो रहा है दैट रिडक्शन भी हो रही है सर ऑक्सीडेशन भी हो रही है ठीक है तो इसलिए ये कौन सा आंसर है सर रिडॉक्स है नेक्स्ट बताओ गाइस इसमें से ना आपने स्ट्रक्चर केमिकल इक्वेशन बताना है इसमें से स्ट्रक्चर केमिकल इक्वेशन कौन सी है वो आप सबने बताना है बताइए कौन सी है इसमें से स्ट्रक्चर केमिकल इक्वेशन सर एम जी प्लस ओ टू इज इगो टू एम जी ओ सर जेड एंड प्लस एस टू एसओ फोर इज इगो टू जेड एन फोर प्लस एस टू उधर ही बात हो रही है सर टू एम जी प्लस ओ टू इजो टू टू जी का सही आंसर आया सही बाकी सब गलत क्यों दे रहे हैं यार आंसर बी लिख रहे हैं सी लिख रहे हैं तो बात होती है गाइस दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन दैट एम जी प्लस ओ टू देखो यार ये जो केमिकल इक्वेशन है इसमें दोनों साइड पे ना आइटम सेम नहीं है ठीक है तो इसमें आप देख सकते हो दैट एम जी और ओटू है एम जी और ओ टू है लेकिन सर ये जो ओ टू है इधर ओ सिंगल ही है इधर ओ सिंगल ही है इसलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सर आसिफ जी लिख रहे हैं सर आपका नेट स्लो है नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है बाकी सबको भी क्या बफरिंग हो रही है क्या ये बताओ सब कुछ सबके एंड से बाकी ठीक चल रहा है ना यार बताओ इसका आंसर सर विच पार्ट ऑफ द गैस फ्लेम इज द हॉटेस्ट हॉटेस्ट बताना है आंसर ब्लू 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 बिल्कुल सही डेट इज ब्लू इज द राइट वन ब्लू फ्लेम की बात हो रही है ठीक है तो ब्लू पार्ट ऑफ द ग्लास फ्लेम इज द हॉट हीटेड पार्ट नेक्स्ट बात बात करते हैं बात हो रही है टू प्रिवेंट पटेटो चिप्स फ्रॉम बिकमिंग रेंसिड ठीक है रेंसिडिटी से बचाने के लिए ठीक है अभी क्वेश्चन आधा ही बड़ा बच्चों के आंसर आ गए ये भी आई थिंक सो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में लेकिन उसे स्टेटमेंट अलग थी तो सर रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं चिप्स को एक तरह से नाइट्रोजन के साथ फ्लैश आउट करते हैं आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन चलो बताओ ट्वेंटी वन का आंसर सर बात हो रही है दैट इज विच ऑफ द फॉलिंग मेटल कैच फायर इन रिएक्शन विद एयर एयर के साथ कौन सा एक तरह से रिएक्शन करने पे एक तरह से कैच कर लेगा फायर किसी ने एम जी लिखा है किसी ने मैक्सिम पोटेशियम 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 बिल्कुल सी पोटेशियम इज द राइट वन है पोटेशियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल इट इज ए वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल अब बताओ पोटेशियम को हम किस चीज में स्टोर करते हैं ये बताओ सिर्फ पोटेशियम को हम किस चीज में स्टोर करते हैं ताकि वो आग ना पकड़ ले नेक्स्ट बताओ ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग डाला नहीं नहीं ये नहीं है अगला क्वेश्चन है एक हाँ मुझे याद है एक क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है वो बताइए इसका क्या आंसर आएगा सर व्हेन एमजीओ इज डिजोल्व इन वाटर इज द एमजी ओ एच इज ऑपटेड दिन ओपटेन ने क्या होता है सर एल्केलाइन होता है तो एल्केलाइन इज द राइट वन यार वो कौन सा रहेगा सर एल्केलाइन इज द राइट वन आगे बात करते हैं चलो फूड चेन रिलेटेड क्वेश्चन फूड चेन के ऊपर आपका क्वेश्चन आ गया क्या कह रहा है सर विद स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फूड चेन फूड चेन के रिलेटेड आपने बताना कौन सा करेक्ट है बताइए जल्दी से सर कह रहा है एवरी कंपोनेंट ऑफ द फूड चेन फॉर्म ट्रॉपिक लेवल जी सर बिल्कुल सही सर इंटरशन से बिटवीन डिफरेंट फूड चेन इज नोन एज फूड वेब बिल्कुल सही सर ऑब्वियसली बात है थर्ड को पढ़ने की जरूरत है फिर ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आगे बात करते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट no डाउन कर लेना सब बात हो रही है वो नॉन मेटल बताना है दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है देखो नॉन मेटल बताना है मेटल नहीं बताना ठीक है बच्चे सबसे पहले यही गलती करेंगे और आ रहे हैं वही देखो यही करते हैं ना आधा दूरा मरकरी 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 या मरकरी इज ए मेटल सर मरकरी मेटल आ गया एल्यूमिनियम मेटल आ गया तो ये दोनों मेटल हैं बाकी अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की बात हो रही है तो ब्रोमाइन इज द राइट वन क्लियर है जिनको नहीं पता था ये याद रखना मर्करी एंड एल्यूमिनियम जो है सर ये तो मेटल है मैंने तो नॉन मेटल पूछे हैं जानमूझ के तो मैंने मर्करी ऑप्शन डाला क्योंकि आप सबको पता है मर्करी के बारे में तो पता है सबको लेकिन ब्रोमाइन के बारे में नहीं पता था मैक्सिमम को क्लियर है आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बताओ ट्वेंटी का क्या आंसर आएगा इंजीनियर ने सैम लिखने से नॉन मेटल देखा नहीं वही तो चीज है और घर आके बोलते हैं इतना इजी पेपर डाल दिया और बाद में डेट क्वेश्चन गलत हो गया चलो बताओ सर बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन दे रिएक्ट विद हमने इसमें से वो बताना है सर जो एक तरह से आप कह सकते हो आपका ना दैट रिएक्टिविटी सीज में हाईली रिएक्टिव होगा सर अगर मैं बात करूं कॉपर इज हाईली रिएक्टिव देन ए जी सिल्वर तो कॉपर हमारा सिल्वर से हाईली रिएक्टिव होता है तो इसलिए कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर क्लियर है आगे बात करें नेक्स्ट बताओ सर बात हो रही है द रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस इज लेस रिएक्टिव मेटल इट इज कॉल्ड अभी हमने डिस्कस किया सर उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं आगे बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन चलो बताओ सर ट्वेंटी सेवन क्या कह रहे हैं फूड कैंसर कोटेड विथ टिन नॉट विथ जिंक बिकॉज सर जो फूड कैन होते हैं ठीक है उनको हम टिन से कोट करते हैं जिंक के साथ नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं वो आप सबने बताना है बात हो रही है सर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन तो जिंक क्या है सर जिंक हमारा टिन से ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए हम जिंक के नहीं बनाते सर टिन के बनाते हैं आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट बताओ ये मैंने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन डाला सोच के बताना ये सर बात रही है मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म डैश ऑक्साइड्स सर डैश ऑक्साइड्स मतलब इसमें आंसर आएगा सर ऑक्साइड लेकिन मैंने मेटेलिक ऑप्शन ही नहीं रखा लेकिन मैंने मेटेलिक ऑप्शन में ही नहीं रखा फिर सर जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना दे आर बेसिक इन नेचर सर दे आर बेसिक इन नेचर तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा सर बेसिक इज द करेक्ट वन तो सर इसका आंसर क्या रहेगा बेसिक इज द करेक्ट वन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन बताओ सर वेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन द ऑक्साइड फॉर्म डैश इन नेचर सर सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है। बिल्कुल सही एसिडिक इज द राइट वन आगे बात करते हैं सर जो मेटल्स है ठीक है बात हो रही है सर मेटल्स की सर मेटल्स जो है जिंक एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस डैश गैस कौन सी गैस प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं बताइए जल्दी से बिल्कुल सही डेट इज हाइड्रोजन गैस इज द राइट वन आगे बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर थर्टी वन बात हो रही है वेन जिंक रिएक्ट विथ डिल्यूट सल्फिक एसिड सॉल्ट इज फॉर्मड विद द रिलीज ऑफ ए गैस द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस बर्निंग कैंडल विद ऑफ साउंड द गैस इवॉल्ड पॉप ऑफ साउंड आ गया सर पॉप ऑफ साउंड आपका हाइड्रोजन होता है याद रखना पॉप ऑफ साउंड जब भी आएगा सर हाइड्रोजन होगा चलो नेक्स्ट बताओ इसी तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ पिछली बार पेपर में मेरे हिसाब से पता नहीं सेम था कि नहीं लेकिन था इसी रिलेटेड था बात हो रही सर द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट सर बीटन इनटू थिन शीट्स कौन सा होता है सर मैलेबल होता है कि डटाइल होता है बच्चे इधर अटक जाएंगे आधे बोलेंगे आधे आधे देखो आंसर आप खुद देख लेना एक 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 यही चीज है हमने सर पढ़ा होता है लेकिन वही चीज है डेट रिवाइज नहीं किया होता तो गाय जब थिंक शीट की बात हो रही है तो मैलेबल है यार वो डाइल नहीं है एंड गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल मेटल आगे बताओ सर अगर वायर्स की बात होगी तो डकटाइल वायर की बात होगी तो डक्टाइल क्लियर है आगे बात करें क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच ऑफ द फॉलिंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट सर इनमें से हमने बताना है किसको हम थिन शीट में बीटअप कर सकते हैं बताइए बताइए क्या आएगा इसका आंसर थर्टी फोर का जिंक कार है जिंक कार है जिंक कार है बिल्कुल सही जिंक इज द राइट वन जिंक कैन बी बीटन इन टू इज सेड टू बी सॉन्ड्रस अब आप सबने पढ़ा होगा सर जब हम ना मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज लिखते थे ना तो हम उधर बोलते थे मेटल्स आर सोनरस सर फिर हम लिखते थे नॉन मेटल्स और नॉन सॉनरस तो ये चीज हम लिखते थे सर सॉन्ड्रस का क्या मतलब है सोनरस का मतलब होता है जब भी हम एक तरह से उनको बीट अप करेंगे उसमें से रिंगिंग साउंड आती है लाइकवाइज आपने बेल्स के बारे में सुना है मंदिर जाते हो सब बेल जब एक मेटल मेटल से टकराता है तो टन की आवाज आती है दैट इज योर सोनरस आगे सर पिक द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट इसमें से ऑड वन निकालना है बताओ क्या आएगा इसमें से ऑड वन क्या आएगा या साथ में सेशन को लाइक कर देना लाइक अभी 150 भी हमने टच नहीं किए स्टूडेंट 300 के राउंड देख रहे हैं अभी भी ठीक है तो बात हो रही है कार्बन इज द डिफरेंट वन ठीक है बाकी कार्बन इज ए नॉन मेटल वेर एज ऑल अदर्स आर मेटल नेक्स्ट बताओ सर हमने इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट एक तरह से फॉल्स है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है वो आप सबने बताना है ए ही फॉल्स है ए ही फॉल्स है बिल्कुल सही यार ए ही फॉल्स है कार्बन इज द मोस्ट मैलिएबल इज फॉल्स वन सर कार्बन इज नॉट मोस्ट मैलिएबल सर डेट गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल नेक्स्ट बताओ सर कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल की जो मेटल को शाइनी टेक्सचर देती है जिस जो उसकी शाइनी टेक्सचर लिए मानी जाती है सर डेट शाइनी टेक्सचर के लिए उसको क्या बोला जाता है सर लस्टरस बोला जाता है नेक्स्ट बात करते हैं सर विच ऑफ द मेट नॉन मेटल बट इट इज लस्टरस हमने इसमें से बताना है सर से कौन सा नॉन मेटल है लेकिन वो लस्टरस है हमने पढ़ा है, सर मेटल सा, मेटल सा डल। हमने क्या पढ़ा सा स्टोर करते हैं अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कैरोसिन विच आर द फॉलिंग ऑर्ड इज करेक्ट फॉर द रियक्टिविटी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आज के पेपर में क्रिएक्टिविटीज सीरीज में भी किसी किसी को ही याद होगी तो इसमें से आपने बताना है कौन सी करेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज है जल्दी से बताओ सोच के बताना अभी देखो आधा सेशन भी नहीं हुआ आज लंबा चलेगा सेशन लंबा चलेगा चालीसवा क्वेश्चन है सौ क्वेश्चन करने आज बी इज द राइट वन बी इज द राइट वन ओके okay. तो गाइज इसका आंसर क्या रहेगा सर बी इज द राइट वन सर पहले सोडियम सोडियम के बाद आपका मैग्नीशियम मैग्नीशियम के बाद सर आपका आयरन आयरन के बाद आपका क्या रहेगा सर गोल्ड तो बी ऑप्शन इज राइट वन सर गोल्ड एंड आपका प्लेटिनम एक तरह से डेट लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ठीक है तभी तो गोल्ड की ज्वेलरी पहनी जाती है अगर बाय चांस गोल्ड भी हमारा लीस्ट uh, रिएक्टिव होंगे उनको जंक बड़ी जल्दी लग जाएगा और भी बहुत चीजें हो जाएंगी चलो बताओ बताओ इसका आंसर बात हो रही है डेट सर इनर्शिया की बात हो रही है ठीक है अब थोड़ा फिजिक्स की ओर भी चलते हैं सर सर इनर्शिया की बात हो रही है द इनर्शिया ऑफ एबजेक्ट कॉज इज द ऑब्जेक्ट टू सर वो ऑब्जेक्ट को क्या करती है सर एक होता है एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ रेस्ट सर एक होता है एनर्जी ऑफ मोशन सर एक होता है एनर्जी ऑफ डायरेक्शन सर डिफरेंट डिफरेंट आपके एनर्शिया होते हैं क्लियर है तो इधर से एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉज द ऑब्जेक्ट टू रिजिस्ट रिजिस्ट एनी चेंज इन द ऑफ इट्स मोशन चलो आगे बात करते हैं फोर्टी थ्री बताओ सिग्मा ठाकुर लिख रहे हैं सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे पढ़ने नहीं दे रही है क्या करूं फोन पे फोन आ रहे हैं <laughs> फोन आज ब्लॉक मार दो यार चलो इसका आंसर बताओ यार ठीक है तो बात हो रही है हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे फोर्टी थ्री ठीक है चलो यार पढ़ाई पढ़ाई से नहीं हटाओ मुझे भी ठीक है डेट फोर्टी थ्री की बात करते हैं डेट थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात हो रही है सर सर थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है फॉर एवरी एक्शन एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर फोर्स का, right का ऐसा यूनिट बताना है सर फोर्स का ऐसा यूनिट आप सबको पता है सर न्यूटन होता है तो ऑप्शन नंबर बी डी इज द राइट वन सर बात करते हैं क्वेश्चन फोर्टी फाइव ये अच्छा क्वेश्चन है चलो बताओ थोड़ा सा न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं ठीक है बिल्कुल सही इसमें भी आप वो कर सकते हो फॉर एवरी एक्शन दे इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन गर्लफ्रेंड के सिलसिले में भी मिस्टर डेविड ने भी सही दिया है ऑप्शन वाईफाई कनेक्ट कर लो फ्लाइट मोड पे डाल दे <laughs> चलो बताओ बात और ये सर अगर मैं मास को डबल कर दूं सर वेलोसिटी को हाफ कर दूं सर लीनियर मोमेंटम क्या होगा सर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है सर अगर मैं बात करूं ना मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू विलोसिटी मास इंटू विलोसिटी सर मास इंटू विलोसिटी होता है कह रहा मास को हमने क्या करना है सर टू एम लिख देता हूं मैं सर को हाफ करना है सर वीओ अपॉन टू लिखता हूं सर आंसर सेम ही रहेगा द आंसर विल बी अनचेंज द आंसर विल बी अनचेंज तो आपका क्या रहेगा दैट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन रिमेन द सेम चलो एक और बताओ ये तो शायद से फा के पेपर में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन फा के पेपर में आया था मोमेंटम अभी मैंने बताया सर मोमेंटम का आपने फॉर्मूला बताया? बताया मास इंटू विलोस्टी मास इंटू विलोसिटी सर इसमें क्या है मोमेंटम दे दिया टू फिफ्टी सर मास हमें नहीं दिया सर विलॉस हमें फाइव दी है मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर ए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं सर 500 सौ हो गया सर पांच सौ इधर मल्टी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सर ढाई सौ को 500 सौ से डिवाइड कर दो तो जीरो पॉइंट फाइव इज योर आंसर ठीक है जीरो पॉइंट फाइव इज योर आंसर ठीक है क्लियर है चलो बात करते हैं नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोर्स फोर्स क्रेडिड कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें से सही है क्वेश्चन सुबह ही पड़ा था मीर आशु जी लिख रहे हैं चलो अच्छी बात है चलो बताओ इसका आंसर बिल्कुल सही सर ये फोर्स क्रेडिट जितनी भी इंफॉर्मेशन है सही है ये फोर्स क्रेडिट जितनी भी इंफॉर्मेशन है सर सही है नेक्स्ट चलो बताओ सर बात हो रही है गोल गोलकीपर है इन्हें फुटबॉल गेम पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल दिस अनेबल्स द goalkeeper टू ठीक है एक जो गोलकीपर है उसने क्या अपने है, जो हैंड्स है बैकवर्ड्स ले गया आफ्टर होल्डिंग आपने देखा ना जब आप कैच पकड़ते हो जब आप कैच पकड़ते हो आपका हाथ नीचे की ओर आता है ऐसे ऐसा करने से क्या होता है अगर आप एक ही लेवल पे आप कैच पकड़ लोगे उससे क्या होगा उससे होती है दर्द होती है ठीक है उससे लगने के दर्द होती है तो सर इससे क्या होता है हम ना उसके मोमेंटम चेंज ऑफ मोमेंटम को चेंज करने की कोशिश करते हैं डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं क्लियर है आगे बात करते हैं सर लॉ ऑफ एनर्शिया की बात हो रही है लॉ ऑफ एनर्शिया कौन सा लॉ न्यूटन का लॉ ऑफ एनर्शिया के नाम से जाना जाता है जल्दी बताओ आंसर आगे बिल्कुल सही सर फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ एनर्शिया के नाम से जाना जाता है दैट फर्स्ट लॉ क्या कहता है सर एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एड्रेस्ट ंटिल ऑनलिस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट ठीक है चलो बताओ नेक्स्ट फिफ्टियथ सर फिफ्टियथ क्वेश्चन की बात हो रही है पसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉस इज ए कॉइन डेट फॉल्स बिहाइंड इट मीनस दैट मोशन ऑफ द ट्रेन इज चलो ये बताओ ये समझ आना चाहिए क्वेश्चन डिमांड के अगर है एनशिया रिलेटेड ये क्वेश्चन लेकिन पता होना चाहिए क्या है बच्चे लिख रहे थे बफरिंग यार बाकी सबका और है एक दो स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आ रहा है बार बार सब बफरिंग 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 मुझे नहीं लग रहा मेरे एंड से नहीं हो रही है बफरिंग और किसी और कोई बताओ बफरिंग नो no, लिख रहे हैं कोई बफरिंग नहीं है तो बात हो रही है डेट बी ऑप्शन राइट वन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन okay, को कैसे डिफाइन कर जाता है Sir, का ना फॉर्मुला होता है ना, आपके ना ये जो राइटिंग है इसका कॉम्प्रोमाइज कर लेना हाथों से लिख रहा हूं ठीक है यह अपने हाथों से लिख रहा हूं आज मेरे पास पेन टेबलेट नहीं है ठीक है तो आज प्रॉपरली मेरे फोन पे चल रही है चलो बताओ नेक्स्ट सर 52 क्वेश्चन सर मैरी गो राइड राउंड राइड के बारे में आपको पता है आपने बोलो तो बच्चे गोल गोल घूमने वाला कोई भी जो झूला होता है उसको आप मैरी गो राउंड राइड बोल सकते हो जो गोल गोल घूमते ना झूला जिस घोड़े के ऊपर बैठ के गोल गोल घूमते हैं ये उस झूले की बात हो रही है सर उस झूले में क्या हुआ एक बॉय बैठा था उसकी विलोस्टी टेन की सर विच ऑफ द फॉलिंग इज ट्रू अबाउट सीनेरियो इस सीनेरियो के बारे में क्या कहा जा रहा है बताइए द बॉडीज रेस्ट द बॉडीज रेस्ट बॉय मूविंग विद यूनिफॉर्म तो गाइज इसका आंसर क्या आएगा दैट द बॉय इज मूविंग विद एक्सीटेड मोशन ध्यान से सुनना एक्सीटेड मोशन क्यों होगा सर एक्सीटेड मोशन इसलिए होगा बिकॉज वो गोल गोल घूम रहा है उसकी पोजिशन चेंज हो रही है जब सर उसकी पोजिशन चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली बात है सर उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है सर उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है सर, आगे बात करते हैं नेक्स्ट सर 53 सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या डिपिक्ट करता है उसका स्लोप क्या डिपिक्ट करता है पहले बताओ गैस, आपको एक क्वेश्चन किस तरह के लग रहे हैं देखो दस क्वेश्चन आने हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपके दस क्वेश्चन जो है ना इन्हीं क्वेश्चन में से बन जाए साथ साथ मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी इधर मेंशन कर दी हुई है चलो बताओ सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो रही है सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या डिपिक्ट करता है डेट इज स्पीड डिपिक्ट करता है आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर सर व्हाट डज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिपिक्ट सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या डिपिक्ट करता है बताओ वेलोसिटी टाइमग्राफ क्या डिपिक्ट करता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज एक्सलेशन डिपिक्ट करता है ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव सर फ्री फॉलिंग बॉडी रिलेटेड क्या ट्रू है सर फ्री फॉलिंग बॉडी रिलेटेड क्या ट्रू है राजेश जी कुछ पूछ रहे हैं ओके है। एस्पिरेंट जी भी कुछ लिख रहे हैं सर शादी कर लो आप फिर यार आपके लिए लेक्चर कौन बनाएगा इस टाइम पे लाइव कौन आएगा ये बता दो आप फिर इस टाइम पे मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा आपके साथ बातचीत कर, नहीं कर पाऊंगा इस टाइम पे, ये लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा तो 55 का आंसर क्या आएगा दैट फ्री फॉलिंग बॉडी दैट इट हैज ए कॉन्स्टेंट नॉन जीरो एक्सलेशन ठीक है ये क्या है सर नॉन जीरो एक्सिलेशन चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन फिफ्टी सिक्स सर वो फिजिकल क्वांटिटी आपने बताना है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है सर 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 एक 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 होता 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 है sir, होता है vector, sir, होता है है वेक्टर वेक्टर स्केलर 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 क्वांटिटी वो ही होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बस सर वेक्टर वो होता है सर जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है सर डायरेक्शन भी होती है तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन वेक्टर इज द राइट वन चलो बताओ नेक्स्ट सर वाई इज विंड एनर्जी कंसिडर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सर विंड को अब देखो ये टॉपिक ना मैंशन है यह पूरा का पूरा टॉपिक इस तरह से मैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल तो आपने इसमें से बताना है सर विंड एनर्जी को कन्वेंशनल क्यों बोला जाता है आंसर सी आर है सी आर ए सी आर ए बिल्कुल सही दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन इट इज रेडली अवेलेबल एंड यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम चलो नेक्स्ट बताओ बात हो रही है अ स्टूडेंट स्टडीज दैट बायोगैस कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेन विच कैन बी यूज एज ए फ्यूल फॉर वेरियस यूजेस इट बर्न्स विदाउट रिलीजिंग स्मोक एंड लिविंग नो एसिजल लाइक एश शुड बायोग बी सिडर्ड ए गुड और बैड सोर्स ऑफ एनर्जी बताओ यार कोई ऐश भी नहीं छोड़ा उसने ना ही स्मोक छोड़ा तो बैड आंसर देने वाले कौन है तो बैड किस लिए तो गुड इज द राइट वन एज इट डज नॉट कॉज एनी हार्म टू द हार्मेंट यार गुड है ठीक है बायोमास को एक तरह से हम गुड कंसीडर करेंगे नेक्स्ट सब बात हो रही है अ स्टूडेंट वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम फॉजल फ्यूल्स विच प्रोसेस वुड हेल्प टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम फॉजल फ्यूल्स बताओ चलो बताओ इसका आंसर आंसर बर्निंग आ रहा है बर्निंग आ रहा है तो ऑप्शन ए इज द राइट वन बर्निंग इज द राइट वन नेक्स्ट ठीक है, फ्यूल्स बर्न होते हैं तभी एक तरह से उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है सर बात हो रही है विच ऑफ द मनी फ्रॉम टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम लिफ्टिंग पंप वॉटर लिफ्टिंग पंप से सर आज 60. नहीं यार हंड्रेड करके जाएंगे आ, किसी को अगर कुछ भी थोड़ा सा इश्यू है यार मैं ये नहीं कहूंगा That, simply, आप लीव कर सकते हो आप मॉर्निंग में भी देख सकते हो ये तो वीडियो हट ही जाएगी लेकिन सिंपली पंद्रह बीस मिनट अगले तो खत्म हो जाएगा सेशन। ठीक है तो बात होती है गाइज ऑप्शन बी इज द राइट वन डेट वाटर लिफ्टिंग में क्या होता है सर काइनेटिक एनर्जी जो मोशन रिलेटेड होती है सर उसको मैकेनिकल एनर्जी में शिफ्ट कर जाता है तो बी इज द राइट वन ठीक है आगे बात करते हैं सर क्वेश्चन वन सर आई थिंक सो ये क्वेश्चन फा का है, है कि नहीं है ये बताओ याद आ रहा है किसी को फाइनेंस काउंसिस्टम का क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा बताओ जल्दी से सर सेलेक्ट द प्लांट दैट ऑबटेन्ड ऑल और पार्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम एनदर प्लांट विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बेनिफिट ऑफ द होस्ट एंड इन सम केस कॉजिंग एक्सट्रीम डैमेज That is parasitic, is the right one. Clear? Next. Sir Rajiv studies that due to gravitational pull, the water in the sea rises and falls. Okay? The water in the sea rises and falls. With the advancement of technology, the generation of electricity has been made possible. This type of energy is known as tidal energy. शुड टाइडल एनर्जी बी कंसिडर कन्वेंशनल की नॉन कन्वेंशनल टाइडल एनर्जी को दैट हम कन्वेंशनल बोलेंगे नॉन कन्वेंशनल बोलेंगे बताओ जल्दी से <laughs> बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन नॉन कन्वेंशनल बोलेंगे सर बिकॉज

हम तभी कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के साथ तो इससे क्या होगा सर इससे क्या होगा सर जूम कीजिए ये लो यार जूम कर देते हैं चलो बताओ आंसर डी आर है डी आर है बिल्कुल सी गाइस डेट आपका पोल्यूशन और कंजप्शन दोनों डिक्रीज हो जाएंगे पोल्यूशन भी कम होगा सर जो कंजप्शन है क्यों सर क्योंकि एफिशिएंसी वर्ड यूज हो रहा है इधर एफिशिएंसी वर्ड यूज हो रहा है तो कंजप्शन भी एक तरह से रिड्यूस हो जाएगा आगे बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 64 बताओ सर बैड सोर्स ऑफ एनर्जी बताना है और वाई क्यों आंसर बी आ रहा है बी आ रहा है बी आ रहा है ओके सर जो थर्मल पावर प्लांट है हम उसको बैड सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों बोलते हैं सर जस्ट बिकॉज एज द बर्निंग ऑफ फॉज फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल गैसेज आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव सर रिहान की बात हो रही है ठीक है सर रिहान इज ए गुड बॉय रिहान कैन यूज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग बट ही वॉन्ट टू अवॉइड द प्रोडक्शन ऑफ स्मोक फ्रॉम द सोर्स बताओ अब बात हो रही है वो ना स्मोक से बचना चाहता है स्मोक ना हो वो चाहता है स्मोक ना हो तो वो कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी कुकिंग लिए इस्तेमाल करे बिल्कुल से यार इलेक्ट्रिसिटी में स्मोक नहीं होगा ठीक है आगे बात करते हैं नेक्स्ट सिक्सटी सिक्स सर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए जियोथर्मल पावर प्लांट जियोथर्मल पावर प्लांट क्रेडिट कौन सा सही है बी आर है बी आर आंसर तो गाइज बी ऑप्शन इज द राइट वन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्सटी सेवन सॉरी ये आपका थोड़ा आ गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन चलो बताओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सर बात हो रही है हमने बताना हीट एनर्जी सर हीट एनर्जी का ना फॉर्मूला होता है width. सर width भी होता है अगर वी की जगह हम वैल्यू पुट कर दे तो सर बन जाएगा आर टी आई स्को फॉर्मूला पुट करो आपका आंसर आ जाएगा आई स्क्र आर टी आप आंसर पुट आप करो आपका आंसर वैल्यूज पुट करो आपका आंसर आएगा सर आई है टू एम पेयर सर टू इंटू टू हो गया सर रेजिस्टेंस कितना है सर रेजिस्टेंस तो नहीं दिया तो टाइम आपका फाइव आ गया सर डिस्टेंस भी फाइव दिया है ठीक है तो ये आप मल्टीप्लाई कर लो सर फोर इंटू ट्वेंटी फाइव डेट इज हंड्रेड इज योर आंसर क्लियर है सर ये फा का क्वेश्चन हाँ हाँ ये फा का क्वेश्चन है ठीक है बिल्कुल सही चलो बताओ नेक्स्ट सर बात हो रही है विच ऑफ दीज प्रोसेस एक्सप्लेन द एक्सटेंशन ऑफ द सन्स एनर्जी टू जनरेट एनर्जी टू फॉर्म ए बल्ब मतलब सन एनर्जी यूज करनी है सर ऑब्वियसली सन एनर्जी क्या होगी सर सोलर होगी तो ये तो गलत ये भी गलत या तो बी है या तो सी है जल्दी से बताओ या तो बी है या तो सी है कौन सा आएगा सर बी ऑप्शन इज द राइट वन बिकॉज हम इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रहे हैं बल्ब बना रहे हैं ठीक है बल्ब रोशनी दे रहे हैं नेक्स्ट सर क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए थे गुड सोर्स ऑफ फ्यूल के बताने बिल्कुल सही दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन नेक्स्ट बात करते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन चलो देखते हैं क्या है इसमें चलो क्या बोल रहा है सब बोल रहे हैं एक स्टूडेंट स्टडी कर रहे थे एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस अ हैवी एटम बॉम्बर विद अ लो एनर्जी न्यूट्रॉन दिस कैन बी डन इन न्यूक्लियर रिएक्टर ओके विच इज डिजाइन फॉर द जनरेशन ऑफ पावर दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी ही सेड दैट न्यूक्लियर एनर्जी इज कंसिड एज ए नॉन कन्वेंशनल वाई इज इट कंसिड एज ए नॉन कन्वेंशनल भाई इतनी बड़ी कथा लिख दी बताओ या मेरे फोन की बैटरी भी ना ट्वेंटी फोर परसेंट रहेगी है आप सब देख सकते हो चलो कर लेंगे कुछ ना कुछ आंसर डी आर है डी आर डी आर बिल्कुल सही यार क्योंकि आप ये जो एनर्जी है सर एक्सट्रैक्ट करो फॉर्म न्यूक्लियर रिएक्टर तो इसलिए हम इसको नॉन कन्वेंशनल बोलेंगे आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन सर डीकंपोजर इकोसिस्टम में क्या काम करते हैं बताओ सर कंप्लीट हां कंप्लीट ही करेंगे यार कोई चक्कर नहीं आज बैटरी चाहे वन परसेंट की कंप्लीट करके जाऊंगा चलो बताओ सर बात होती है डीकम्पोजर्स का क्या काम है सर डी कम्पोजर्स जो है एक तरह से इको सिस्टम में ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक कर देते हैं ठीक है ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक कर देते हैं आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू चलो बताओ सर ये जो लिस्ट दी है ना इसमें से मुझे आप नॉन बायोडिग्रेडेबल बता दो इसमें से आप मुझे नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स बता दो कौन कौन सी हैं ऑप्शन बी आ रहा है बी आ रहा है बिल्कुल सही दैट इज पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक टॉयज आर यू नॉन बायोडिग्रेडेबल बाकी सब बायोडिग्रेडेबल है चलो नेक्स्ट सर इसमें से आपने बताना है द इंट्रैक्शन ऑफ द ए बायोटिक कंपोनेंट विद द बायोटिक कंपोनेंट इंट्रैक्शन ऑफ द ए बायोटिक कंपोनेंट विद द बायोटिक कंपोनेंट सी 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 आर है बिल्कुल सही दैट सी ऑप्शन इज द राइट वन एंड अर्थ वार्मकिंग इन द सॉइल ठीक है इसमें जो अर्थवॉर्म है और soil है, ये आपका एक बायोटिक हो गया यह ए बायोटिक हो गया ठीक है चलो बताओ नेक्स्ट सर यह भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया सर क्या निकालना है सर, सर एक्सलेशन निकालना है सर क्या निकालना है एक्सलेशन निकालना है सर एक्सलेशन सर बाबू वाला भाग गया ताहा जी लिख रहे हैं ठीक <laughs> है एक्सलेशन निकालना है सर एक्सलेशन इज इकल टू वी माइनस यू अपॉन टी वी माइनस यू अपॉन टी तो वी क्या होता है सर वी होता है आपका फाइनल कितनी थी जीरो रेस्ट का मतलब सर जीरो अपॉन टेन कर दो टेन को टेन से डिवाइड कर लो तो आंसर क्या आ जाएगा सर वन आ जाएगा ऑप्शन नंबर वन इज अर राइट वन ठीक है आगे बात करते हैं सर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी शिफ्ट होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू दर वन ट्रॉपिक लेवल दर बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बीज अर्वन ओनली टेन परसेंट ऑफ एनर्जी जल्दी से कमेंट में बताना टेन परसेंट ऑफ एनर्जी किसने दी है नेक्स्ट सर CFC जिसे आप बोलते हो कार्बन मतलब सर रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है हाउ डज दिस हेल्प प्रिवेंट ओजोन डिप्लीशन कैसे ये ओजोन डिप्लीशन से मदद करती है चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर बिल्कुल सही डेट इज ऑप्शन नंबर डी सर क्या होगा इसमें सीएफसी की रिलीज कम हो जाएगी जिससे ओजोन डिप्लीशन भी कम होगी जो ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कम करेगी नेक्स्ट सर प्राइमरी कंज्यूमर्स इसमें से आपने बताने हैं। सर इसमें से आपने प्राइमरी कंज्यूमर्स बताने कौन कौन से बताओ <coughs> बिल्कुल सही यार दैट इज हरबी या कंज्यूमर्स की बात हो रही है कि किसकी बात हो रही है सर कंज्यूमर्स की बात हो रही है सर सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स सर प्रोड्यूसर्स की बात कंज्यूमर्स आने वाले पहले प्राइमरी होगा ठीक है फिर आपका सेकेंडरी होगा फिर आपका टर्शरी होगा इस तरह से ठीक है आगे बात करते हैं सर विच ऑफ द फॉलिंग रिस्पॉन्सि फॉर द डिप्रीशन ऑफ द ओजोन लेयर अभी डिस्कस किया सर सी एफ सी डेट जो क्लोरोबन नेक्स्ट बात करते हैं सर ओजोन फॉर्म्स द कॉम्बिनेशन फॉर द फ्री ऑक्सीजन आइटम्स एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाउ डू फ्री ऑक्सीजन आइटम फॉर्म एट हाई लेवल ऑफ द एटमोसफेयर अच्छा हमने ऑक्सीजन वो बताना ओजोन ओजोन कैसे एक तरह से फॉर्मुलेट होता है वो आपने बताना है बताओ सर ओजोन क्या होता है ओ थ्री होता है ओजोन क्या होता है सर ओ थ्री होता है सर ओ थ्री में क्या होता है आपका जो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है वो फ्री ऑक्सीजन एटम में डिवाइड होता है सर जो ओ टू होता है वो क्या होता है ओ और ओ में टूट जाता है सर फिर जो ओ होता है वो ऑक्सीजन एटम के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के ओ थ्री बन जाता है ठीक है सर इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज सर एनर्जी फ्लो क्या होती है हमेशा ना उस वो एनर्जी फ्लो इज यूनिट डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो आती है वो बैक में नहीं आती है वो सिंपली एक साइड पे जाएगी उधर से रिटर्न बैक नहीं आती है नेक्स्ट सर आपने ना इनकरेक्ट बताना है इसमें चार कोल के रिलेटेड आपने इसमें इनकरेक्ट बताना है चार कोल के रिलेटेड चलो बताओ Sir, कह रहा है इट हैज अ क्लोरिफिक वैल्यू लोअर क्लोरिफिक वैल्यू देन वुड इट एग्जिस्ट इन सॉलिड सर सॉलिड तो होता है ये सर लोअर डेंसिटी होता है सर गुड एब्जॉर्बमेंट होता है तो गायस इसकी लो क्लोरिफिक वैल्यू जो है ये गलत है हाई होती है इसकी ठीक है नेक्स्ट इन्वामेंट इंक्लूड्स सर इन्वायमेंट में क्या क्या इंक्लूड है इन्वॉर्यमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ दीज ये सब कुछ इंक्लूडेड है सर नेक्स्ट सर लीनियर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये बताओ इधर अटकोगे आप सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड चेन फूड वेब ट्रॉपिक लेवल कम्युनिटी बिल्कुल सही डेट इज अ फूड चेन इज द राइट वन ये बताओ पेंसिलिन ही बता दो सर पेंसिलिन किसकी एग्जांपल है पेंसिलिन के बारे में तो आप सबने सुना होगा पेंसिलिन के बारे में तो आप सबने सुना होगा सर ये सब कुछ किसकी एग्जाम्पल है सर ये सारी सारी एंटीबायोटिक्स है सर ये सारी सारी एंटीबायोटिक्स है नेक्स्ट सर प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डिरेक्ट सनलाइट आर नोन एज हेलोफाइट नेक्स्ट सर प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कैन बी रिड्यूस थ्रू जल्दी से बताओ बिल्कुल सही डेट इज रिसाइकलिंग इज द राइट वन आर थ्री के बारे में आपने सुना होगा वो आप यूज कर सकते हो सर नेक्स्ट सर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस इसमें से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस कौन सी है बताओ सर यूजिंग सी एफ एल्स एट होम सर यूजिंग द कार टू गो टू नियर बाई प्लेसिस यूजिंग ए सी इन एवरी रूम बर्निंग प्लास्टिक बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन या फल साहब घर पे यूज किए करें यह इन्वॉर्मेंटल फ्रंटी रहती है नेक्स्ट सर विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन किसके कारण एक ट्रॉपिक लेवल आपने देखा होगा को, कोई भी अगर आप ट्रॉपिक लेवल बोलते हो डैट वो आपने क्या करना होता है उनमें ना एक लिमिट होती है उनमें क्या होता है एक लिमिट होती है या तो चार मेंबर्स होंगे या तो पांच होंगे पाँच से ज्यादा नहीं होते किसके कारण सर जस्ट बिकॉज डिक्रीज इन द एनर्जी सर लॉ ऑफ एनर्जी आप सबको पता है सर टेन परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी आप सबको पता है कि हमेशा दस परसेंट एनर्जी शिफ्ट होती है सर अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल इधर थाउजेंड जोल है इधर था सर थाउजेंड जोल है सर अगले वाले के पास हंड्रेड हो जाएगी सर अगले वाले के पास दस हो जाएगी सर चौथे वाले के पास एक परसेंट पहुँचेगी एक जोल पहुँचेगी तो इसलिए हमारा जो फूड चेन होती है वो लिमिटेड ही होती है नेक्स्ट सर नेचर के क्लीनर की नहीं बोला जाता है बताइए डीकंपोजेस आर द राइट वन सर ओजोन होल में कॉस ठीक है खत्म होने वाला है सेशन यार, दस क्वेश्चन आएंगे जल्दी से बताओ सर ओजोन होल क्या करेगा सर ऑल ऑफ दीज इज द राइट वन ठीक है ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट सर इन फूड चेन थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाई स थर्ड ट्रॉपिक लेवल किसके रिलेट होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन डेट इज योरस ठीक है कानी वोरस होगा या किसी ना किसी प्रजाति को खा रहा होगा फर्स्ट वन इज योड्यूसर सर प्रोड्यूसर्स आपके आगे डेट इज प्राइमरी कंज्यूमर्स सर उसके बाद तो वो किसी एकता से मास्क खाएगा ना नेक्स्ट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इसमें से बायोटिक कौन कौन सा है ये तीनों की तीनों गायस क्या है बायोटिक है प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड नेक्स्ट सर विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड बताओ विटामिन का एक और क्वेश्चन आ गया ठीक है विटामिन सी इज द राइट वन आगे बात करते हैं हार्मफुल केमिकल विच इज एक्टेड इन ह्यूमन बींग थ्रू द फूड चेन कौन सा ऐसे हार्मफुल केमिकल होता है जो ह्यूमन बींग्स में हो जाता है फूड चेन के कारण एक्यूमेट सर डी डी टी नेक्स्ट सर कानीवोरस किस को रिप्रेजेंट करते हैं वो आप सबने बताना है सर कानीवरस किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो आप सबने बताना है प्राइमरी कंज्यूमर रिड्यूज फाइटोप्लेक्टिन सेकेंडरी एंड टर्शरी सर सेकेंडरी एंड टर्शरी इज द राइट वन नेक्स्ट सर विच ऑफ़ द फॉलोइंग फॉलोइंगूट फूड चेन नीचे दिए गए में से कौन कौन सा कौन सा फूड चेन बना रहा है वो बताओ जल्दी से ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट वन ग्रास को गोट खाएगी गोट को ह्यूमन खा सकते हैं ठीक है ऑप्शन पे इज द राइट नेक्स्ट से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड बताओ सर बायोडिग्रेडेबल सिंपली वुड शेविंग्स है और कुछ नहीं है बाकी सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है नेक्स्ट सर बोल रहे हैं वट आर द मैथड बाई विच एनर्जी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी बताओ सर हीट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन बोथ ओनली टू एंड थर्ड ओनली वन टू एंड थर्ड की नन वन टू एंड थर्ड इज द राइट वन यार वेस्ट टू एनर्जी में वन टू एंड थर्ड तीनों आ जाएंगे सर नाइनटी नाइन बताओ 99 नाइन का खत्म होने वाला है बस सेशन खत्म तो गाइस बात हो रही है की सर गोइटर एंड द एनलार्ज थाइड ग्लैंड आर मेनली डायग्नोइिंग पेशेंट विद डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सर आयोडीन इज द करेक्ट वन आयोडीन के कारण होता है नेक्स्ट सर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस

अगर आप सबको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप सबने इस सेशन को ना शेयर जरूर करना है ठीक है तो क्या रहेगा गाइस इसका दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन ऑल ऑफ द इज द राइट वन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी पीडीएफ आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना उधर आपको मॉर्निंग तक प्रोवाइड मैं कर दूंगा ठीक है गाइस आज का इतना ही रखते हैं मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में जाने से पहले मैं आप सबको बता दूं डेट ये प्रॉपरली हमें एक इनिशिएटिव ले रहे हैं डेट इज प्रगति स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस जिसमें आपका नायब और पटवारी के हम फिफ्टीन से बैचेस बिठा रहे हैं ऑफलाइन आप सिंपली उधर विजिट कर सकते हो आपको अपने को रजिस्टर करा सकते हो थ्री डेज आपका फ्री डेमो भी रहेगा तो गाइस ये आपके सिंपली फोन नंबर है और ये हमारा एड्रेस है दैट बैंक ऑफ बड़ोडा एट ज्वाइनिंग रेड चीफ शोरूम कुंजवानी जम्मू ठीक है गैस आज का इतना ही रखते हैं मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में तब लातों से अलविदा रात्रि गुड नाइट